हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ प्रोटीन सलाद की रेसिपी, जो कि खाने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हमने एक खीरा ले लिया है जो कि मीडियम साइज़ की है। इसे अच्छे से धो लिया है और साफ करके ले लिया। इसे बिना छीले ही हम काट लेंगे, क्योंकि छिलके में भी प्रोटीन होता है, तो इसे हम नहीं हटाएंगे। और इस तरीके से हमने खीरे को काट लेना है। आपके पास जो भी सब्जियां हो, फ्रूट हो, जो पसंद हो, आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो थी वो हमने लिया है। तो देखिए, हमने एक मूली ले लिया है, इसे भी अच्छे से छील के धो लिया है। और मूली हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसे इसी शेप में काट लिया है। सारी सब्जियों को एक ही शेप में काटिएगा तो अच्छा होता है। तो देखिए, हमने प्याज भी ले लिया है, आधा प्याज लिया है। प्याज में भी कैलोरी होता है, इसलिए प्याज को भी ऐड कीजिएगा। अगर आप नहीं खाते हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे बारीक चॉप कर लेंगे। और एक गाजर लिया है जो कि मीडियम छोटी साइज़ की है, मीडियम से थोड़ा सा ही बड़ा है। इसे भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो आपके पास जो भी सब्जियां हो उसे आप ले लीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये सलाद ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें हम सबको अपने डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप डाइट पे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इस सलाद की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साथ ही बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगने देगी और प्रोटीन भी बहुत होता है। तो लीजिए, सारी सब्जियां मैंने काट लिया है। मिर्च, एक हरी मिर्च ले लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो दो इसकी जगह ले सकते हैं। इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। हमारे पास ये थोड़ी सी ब्रोकली थी जिसे मैंने अच्छे से काट के धो लिया है। और एक बर्तन के ऊपर पानी रख के इसे थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे। इसे उबालेंगे नहीं, बस स्टीम करेंगे। और इसे हमने बगल में रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें को, कटी हुई सारी चीज़ें को डाल लेंगे। और मैंने एक दिन पहले ही मूंग और चना भिगो के रखा था, जो कि हमारी अंकुरित हो गई है तैयार। तो उसे भी हमने ले लिया है। तो देखिए, ये सारी सब्जियां ऐड कर लिए हैं। और फिर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये हमने एक कटोरी ये अंकुरित ले लिया है और इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, जो कि हमारी मूंगफली में भी बहुत सारी प्रोटीन होती है। इसे अच्छे से रोस्ट करके छिलके हटा लिया है। और फिर ये पनीर लिया है, पनीर भी अच्छा होता है, पनीर में प्रोटीन होता है, तो ये भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। आधा छोटी चम्मच मैंने काला नमक लिया है और इसे डाल लिए हैं। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा हमने कुटी हुई काली मिर्च लिया है और आधा नींबू का रस लिया है। और ये हरा धनिया इसमें डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, इसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।